खबरें अभी तक मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चंडीगढ़ में पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट उप कमेटी को सौंप दी गई है। उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 2017 को आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्तुत की गई थी। बाद में मुख्यमंत्री ने इसका अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन की एक उप समिति बनाई थी। तो 13 सितंबर 2017 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी गई है और इसी के साथ ही आपको बताते चले कि 13 सितंबर 2017 को रिपोर्ट सौंपी गई थी और साथ ही साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन की एक उप समिति भी इसके लिए बनाई गई थी। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा की है। हिसार में संयुक्त जल संघर्ष समिति की धरने के 34वें दिन जो धरना स्थल समिति के अध्यक्ष कुरुड़ा राम की अध्यक्षता महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने 5 मार्च को जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। किसान 21 फरवरी के बाद हरियाणा सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेंगे। किसानों ने कहा है कि अगर फिर भी किसानों की मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद किसानों का सरकार के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। किसान सरकार के मामलों में अपना किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे और वो कोई भी बिल नहीं भरेंगे। किसानों की मांग है कि किसानों को सप्ताह में 2 बार नहरों का पानी दिया जाए। तो किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी से विधायकों और मंत्रियों का घेराव करेंगे। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 2 बार सप्ताह में उन्हें नहर का पानी चाहिए। 5 मार्च को किसान जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे और इसी के साथ 21 फरवरी को विधायकों और मंत्रियों का घेराव भी उनकी ओर से किया जाएगा। तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आंदोलन करना भी अब शुरू कर दिया है। 5 मार्च को किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे और इसी के साथ 21 फरवरी से विधायकों और मंत्रियों का घेराव भी उनकी ओर से किया जाएगा। तो किसानों ने सरकार के खिलाफ कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। सप्ताह में 2 बार उन्हें नहर का पानी चाहिए। तो कई मांगे हैं उनकी, जिसमें से प्रमुख मांग ये है कि पानी को लेकर जो समस्या किसानों को आती है उसी समस्या का समाधान किसान चाहते हैं। 34वें दिन भी संयुक्त जल संघर्ष समिति का धरना जारी है। 5 मार्च को किसान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। 21 फरवरी से विधायकों और मंत्रियों का घेराव उनकी ओर से किया जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। संयुक्त जल संघर्ष समिति का 34वें दिन भी धरना जारी है और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? हिसार के लघु सचिवालय में जल संघर्ष समिति का 34वें दिन धरना जारी रहा और किसानों ने महापंचायत करके ये फैसला लिया है कि जो आने वाली 5 मार्च को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, जिसमें महिला किसान भी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। और इससे पूर्व एक ये भी फैसला लिया है कि 21 फरवरी के बाद जितने भी हरियाणा सरकार के विधायक मंत्रीगण हैं उनका घेराव और विरोध किया जाएगा जहां भी वो कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जी जी, तो अब किसानों का क्या कुछ कहना है प्रवीण? जी, किसानों का कहना है कि जब तक बरवाला माइनर पर 196 गांव है जो उनको पहले इससे पहले 2001 में हफ्ता में 2 बार पानी मिलता था पर 1 बार पानी मिलता है, उनकी मांग यही है कि जब तक उनको पर्याप्त पानी पूरा पानी नहीं मिलेगा। चलिए प्रवीण, और भी अपडेट आपसे लेंगे। इसी के साथ SCAR बंबू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में सर। हाँ बोलिए मैम। तो किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सप्ताह में 2 बार उन्हें नहरों का पानी चाहिए क्योंकि समस्या उन्हें काफी आ रही है पानी के चलते। प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। जी, तो क्या कहेंगे मैडम? 2 हफ्ता पानी रेनी सीजन में तो उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन आज की पोजिशन में पानी की उपलब्धता है जो बहुत कम है। यमुना के अंदर भी पानी की क्राइसिस आ रहे हैं क्योंकि जो इस टाइम हमारे पास 2500-3000 के आसपास पानी रहता है, जो 1200 के आसपास पानी रह गया है।
भाखड़ा का पानी जो हमारे पास है वो तीन ग्रुप में चलता है, जो अथराइजेशन तीन ग्रुप की है वो उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनकी डिमांड है कि 2001 से तक हमें सस्ते पानी मिलता था, उसके बाद पानी की जो डिमांड है 700 क्यूसेक के आसपास इनकी बढ़ गई, तो इस वजह से हमें तीन ग्रुप पे जाना पड़ा, तो दो ग्रुप में चलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। फिर भी सरकार ने कहा है कि जब भी पानी उपलब्ध होगा रेनी सीजन में और इन एडिशन तो इनको दिया जाएगा। तो कोरोना राम भी हमारे साथ जल संघर्ष समिति से जुड़ चुके हैं। कोरोना राम जी, आपकी मांग है कि सप्ताह में दो बार जो है पानी आपको मिलना चाहिए, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कई समस्याओं के कारण, क्या कहेंगे? ये गलत बोल रहे हैं सर जी, सरकार गलत बोल रही है। 3 साल पहले हमारा आंदोलन चला था और उस आंदोलन के तहत भी ये वादा किया गया था कि हमारे हक का जो हिसार जिले पानी है बरवाड़ा ब्रांच का 1750 क्यूसिक, हमें किसी और अन्य का नहीं चाहिए, लेकिन ये अधिकारी और सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है। 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आपके दो माइनर मुख्यमंत्री की घोषणा में थे, ये रिन्यू वो कर दिए जाएंगे, दोबारा रिमॉडलिंग कर दी जाएंगी, झूठ बोल रहे हैं ये बिल्कुल। इनके पास पानी है, बर्तन ये सही महकमे की कमी की वजह से, सरकार की नियत की वजह से हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हम किसी अन्य जिले का पानी नहीं मांग रहे। ये जो कोरोना राम जी कह रहे हैं कि आपके पास पानी है लेकिन आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या पानी की वजह से बढ़ती जा रही है, कह रहे हैं ये इनकी बात सही है। सरकार ने 2015 के अंदर कनौरी हेड पे रेजिंग के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे, जो इंटरस्टेट का मैटर होने की वजह से राजस्थान ने अपोज कर दिया, जिसकी वजह से वो रेजिंग नहीं हो पाई। जो कुछ पानी हमें हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट को मिलना था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, जो इंटरस्टेट का मैटर की वजह से ये केस डिले हो रहा है, जो इन क्रॉस्पोंडेंस में है और ये जल्दी शायद समाधान हो पाएगा जी। कोरोना राम जी, अब आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ कहना है किसानों का पानी को लेकर? ऐसा है सर जी, ये कह रहे हैं कि नाम इंटरस्टेट मामला है, नहीं है कोई इंटरस्टेट मामला, हमारा पानी हरियाणा का है, हरियाणा में है, या हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, समस्या क्या है? 10 मिनट का काम है ये, तो ये देने की नीयत अगर हो तो इनके पास बहुत पानी उपलब्ध है, ये बर्तन अपनी कमी की वजह से, महकमा और सरकार की कमी की वजह से, अगर ये बर्तन ठीक मना के कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हमारे पास पानी बहुत है, राजस्थान को हम इतना पानी दे सकते हैं, आज ही के अखबार में लिखा है इन्होंने 3200 क्यूसिक हम राजस्थान को देंगे, हमारे लिए 500 क्यूसिक पानी जो हमारा काट लिया गया दूसरे जिलों में भेज दिया गया, हम किसी दूसरे जिले का नहीं, हमारा 1725 क्यूसिक पानी पूरा कर दीजिए, हमारे दो ग्रुप चल जाएंगे जी। एसी साहब क्या कहेंगे? कोरोना साहब का कहना है कि उनके हिस्से का पानी कहीं और दे दिया गया है, उन्हें काफी समस्या हो रही है, तो अब उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं? ये तो जब तक उसकी रेजिंग नहीं होगी पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। उस खनौरी हेड का है मैटर, जो पंजाब और राजस्थान के बीच में इंटरस्टेट चैनल है PML, तो जिस तरीके से ये कुछ दिख रहा है जी, लेकिन अब किसानों का कहना है कि वो अपना मोर्चा जो है सरकार के खिलाफ खोल देंगे, प्रदर्शन किया जाएगा जी। नहीं अजी, ऐसा है, बात सुनो, पंजाब का कोई मैटर नहीं है, पंजाब ने वो रेजिंग कर दी थी, सिर्फ 500 मीटर की बची थी रेजिंग, राजस्थान ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान में, बीजेपी की हरियाणा में, बीजेपी की सेंटर में सारा काम रेजिंग का हो चुका था, सिर्फ 500 मीटर का टुकड़ा बकाया था, पंजाब ने तो इसको रोका ही नहीं, राजस्थान ने रोका है, हरियाणा का इसमें इंटेक्ट मिल जाने ये सभी का हो जाता और हमारे किसानों की खेती हो जाती, आज हमारा इतना संपन्न किसान था, आज वहाँ धूल उठती है, 10-10 किलोमीटर तक माइनर खुद हो चुके हैं और किसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, आज किसान हम इतना कर्जवान हो चुके हैं कि हम कहने को जमीनें हमारी है लेकिन बैंक और साहूकारों के चली गई है हमारी जमीनें। अगर नियत सरकार की ठीक हो तो हमें 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम करके और हमें अभी पानी दे सकते हैं ये। तो ऐसी साहब, क्या जिस तरीके से कोरोना साहब कह रहे हैं कि क्या सरकार की नियत नहीं है पानी देने की, उनके हिस्से का पानी राजस्थान को दे दिया गया है, किसान पलायन करने को मजबूर हो गए हैं?
मैडम राजस्थान को का नहीं दिया गया पानी, राजस्थान को कोई पानी हरियाणा का शहर का नहीं दिया गया। राजस्थान का तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हरियाणा से पानी जाता है। उनको ये शंका है कि अगर ये रेजिंग की गई तो हमारे शहर का पानी जो हमें मिल रहा है, हम टेल एंड पे पड़ते हैं, तो हमारा कम हो जाएगा। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टैंड भी लिया है कि हम किसी के हिस्से का पानी नहीं लेंगे, हम हमारा जो शेयर है उसी को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो वो करस्पोंडेंस चल रही है, लगता है जल्दी ही हालात। चलिए अब की अगर बात की जाए तो अब किसानों का कहना है कि हफ्ते में दो बार उन्हें नहर का पानी चाहिए, तो ताकि जो खेती करने में उन्हें समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो पाए। क्या अब उन्हें पानी मिल पाएगा? नहीं ये अभी जी बताइए सी साहब, क्या अब पानी मिल पाएगा किसानों को? अभी इसी टाइम तो मुश्किल है मैडम, जब तक वो रेजिंग नहीं होती या रेनी सीजन के अगर पानी हमें यमुना का अधिकता में उपलब्ध नहीं होता तब तक नहीं मिलना मुश्किल है जी। ऐसा है सुख नम ने जी, बात सुनिए आप, ये अभी पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये किसानों के बारे में इतना भी नहीं सोचते। ये जो गाँव है उसकी आज हालात ये है कि हमें पीने का भी साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां नीचे का पानी पीने की वजह से होगी। खेती का तो दूर की बात है, ये पानी देने की अगर इनकी नीयत ठीक है सरकार की तो हमें जल्द पानी दे। और हम अपना आंदोलन 3 साल पहले हमें ये कहते हुए उठाया था कि 2015 अप्रैल से आपको 2 रोटेशन में पानी देंगे। और यहाँ जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे वो धनखड़ साहब, अब तो कृषि मंत्री है, उस टाइम सिंचाई मंत्री थे बराड़ा साहब। तो किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें पानी मिले ताकि जो समस्या आ रही है खेती करने में वो समस्या जो है हल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी साहब जुड़ने के लिए, साथ ही साथ कुर्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि किसानों की जो समस्याएं हैं पानी को लेकर वो बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर अब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि अब जेल भरो आंदोलन उनकी ओर से शुरू किया जाएगा, मंत्रियों और विधायकों को घेरा जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, हफ्ते में 2 बार पानी की मांग उनकी ओर से की गई है वो पूरी की जाए। तो किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, संयुक्त जल संघर्ष समिति का 34वें दिन भी जो धरना है वो जारी रहा है। 5 मार्च को किसान अब जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले के चलते सुनवाई होगी और पत्रकार हत्या मामले में फाइनल बहस जो है वो चल रही है। इसी के साथ राम रहीम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे, इस मामले के चलते फाइनल बहस जो है वो चल रही है। तो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले को लेकर फाइनल बहस जो है वो जारी है और इसी के साथ पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और डेरा प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाएंगे। तो पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, फाइनल बहस जो है वो जारी है, राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए शशि अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, क्या कुछ अपडेट है? ये अवंतिका, जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर चल रही जो रामचंद्र छत्रपति मामला जो चल रहा है उसमें सुनवाई हुई, फाइनल बहस इसमें चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राम रहीम आज जेल में पेश हुए, मामले की अगली सुनवाई जो है 17 मार्च निर्धारित की गई है। इसमें जो है हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट पर किसी ऑर्डर को सुनाने के लिए जो है रोक लगा रखी है, क्योंकि जो खट्टा सिंह थे बाबा के जो शागिर्द जिनको कह सकते हैं, उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन लगा रखी पहले सीबीआई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन दोबारा अपने जो बयान देने को लेकर सीबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद वो हाईकोर्ट गए थे। तो हाईकोर्ट में जो है 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है,
जिसमें खट्टा सिंह की जो गवाही पर जो फैसला आना है, और तब तक के लिए जो यहाँ पर जो है पंचकूला जो सीबीआई कोर्ट है यहाँ पर किसी भी फैसले पर रोक लगा रखी है, इसी कारण से जो 17 मार्च की डेट अगली निर्धारित की गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो 17 मार्च अगली तारीख जो है निर्धारित की गई है, फाइनल बहस जारी है। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर कई भ्रूण लिंग जांच गिरोह पर नकेल कसी है। दरअसल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पिछले कई दिनों से गुरुग्राम में सक्रिय भ्रूण जांच और हत्या में शामिल दलाल का पीछा कर रहे थे। विभाग ने सूत्रों से मिली जानकारी के बाद जब अपना जाल बिछाया तो इस गैंग के तार हरियाणा के कैथल जिले से जुड़े हुए पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैथल में छापेमारी की तो एक महिला ने अपने घर में ही मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारने का बूचड़ खाना खोला हुआ था। टीम ने मौके से इस गैंग की सरगना किरण और उसके दो दलालों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस घिनौने काम के लिए 30 से 40 हजार रुपए तक वसूले जाते थे और इस गिरोह का जाल गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी किरण के घर से अल्ट्रासाउंड मशीन और ढेरों की तादाद में सिरिंज भी बरामद की है। तो इसके अलावा भ्रूण हत्या में इस्तेमाल होने वाले बाकी सामान भी कब्जे में ले लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले के चलते? देखिए बिल्कुल, गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन गुड़गांव की टीम लगातार कोख के कातिलों पर लगातार शिकंजा कसती है और इसी बीच गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि कैथल जिले में एक भ्रूण हत्या को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है जाल बिछा हुआ है और लिंग अनुपात जो है लगातार जिस तरीके से हरियाणा का बढ़ रहा था और उसको लेकर के काफी गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग छापेमारी करता रहा है अल्ट्रासाउंड जो की केंद्रों पर। पर अब जो है कैथल में जिले में एक अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर के उन्होंने रेड मारी है, जो की वहां पर एक किरण नाम की महिला है जो की भ्रूण हत्या को लेकर के काफी जो है कोख के कातिलों को बाकी आई है। ऐसे में कल जो है किरण को के कब्जे से अल्ट्रासाउंड मशीन और कई अन्य सामान जो है बरामद हुए हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस इस तरह के पूरे गैंग का पर्दाफाश डालने में जुटी है कि आखिरकार इस तरह के गैंग और कहां कहां पर सक्रिय है, क्योंकि पहले से ही हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के हमारे साथ इसी के साथ रेड क्रॉस के सेक्रेटरी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। हाँ जी बताइए। तो जिस तरीके से ये घिनौना कारोबार चलाया जा रहा था और प्रदेश के कई हिस्सों में इनका जाल फैला हुआ था और कैथल से इसके तार जुड़े हुए हैं, 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हरियाणा में जहाँ जहाँ सख्ताई हुई है तो एक जिले से दूसरे जिले पर जो दलाल हैं वो इस काम को कर रहे हैं। तो गुड़गांव में भी ये मतमानी की यहाँ नहीं होता है तो अलग अलग गुड़गांव के लोग दिल्ली यूपी अभी हम लोग अलीगढ़ से पकड़ के लेके आए हैं। तो इसी प्रकार से कैथल के भी तार जो है गुड़गांव से जुड़े हुए थे दलालों के। तो इसी रूप में हमें जो सूचना मिली तो हम वहां पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि वो जो लेडी है मात्र 10वीं पास अल्ट्रासाउंड मशीन दिखाकर ड्रोपलर लिए हुए थी जो कि 1000 रुपए का आता है केवल। तो आप सोच के देखिए कितनी लोगों की कितनी महिलाओं को इन्होंने भ्रूण लिंग जांच करके ये बताया होगा कि तेरे गर्भ में लड़की है और फिर गर्भ में लड़की ये खत्म करने का काम भी खुद ही करती थी। ये इसके पास औजार मिले हैं, पीछे एक कमरा बना हुआ है इसका, उसी में इसको करती थी, घर भी जाती थी। अगर आप इसको बुलाएंगे तो घर में जाके भी कहती थी कि मैं वहां आ जाऊंगी। बिल्कुल श्याम सुंदर जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो भ्रूण जांच और हत्या का मामला ही सामने आया है, कोख के कातिलों पर शिकंजा कसा गया है, एक महिला समेत दो दलालों को पकड़ा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की जिस दौरान कैथल जिले से इन तीनों को धर दबोचा गया। चलिए फिलहाल हरियाणा हलचल में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।